आज 27 जनवरी 2019 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। माघ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है दोपहर 3:02 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि है। चित्रा नक्षत्र है दोपहर 2:24 तक और उसके बाद स्वाति नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में। आज श्री रामानंदाचार्य जयंती। मेष राशि वालों के लिए रुकावटों से जुड़ा कई तरह का सिलसिला चल रहा है आपके मन में और आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं। जिनसे मदद की उम्मीद चाह रहे हैं शायद वो भी आपको पूरी तरह से समझ ना पाए। ऐसे में ही इंसान से गलतियां होती चली जाती हैं जिनसे बचकर निकल जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने रिश्तों को भी संभालना है और अपने पैसे को भी बचाना है। नुकसान भरी परिस्थिति में संभल कर चलना ही सूझबूझ की निशानी है। कोई ऐसा विकल्प जो आपके मन पर हावी होता चला जा रहा है उसे फिलहाल टाल दें और अपने हालात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर लें। अगर लोग आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं तो भी आप उन्हीं लोगों को ज़्यादा समझने की कोशिश करें ताकि आपके हालात संभले रहें। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि बड़ी उपलब्धियों के सपने देखने से मन में सुकून बना रहता है, पर सपनों की जिंदगी में अहम भूमिका होती है। या तो इंसान सपनों को पाने के लिए मेहनत करता है या सपनों की दुनिया में खोकर लापरवाह हो जाता है। आपको किस रास्ते पर चलना है ये फैसला आपका है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी कोशिशें कम होती चली जा रही हैं और लापरवाह होते जा रहे हैं आप, और इस समय इसी चीज़ से बचने की ज़रूरत है। सपनों की दुनिया सच्चाई से बहुत दूर होती है, इसलिए अपनी कोशिशों को बढ़ाना होगा और अपने नज़रिए को बदलना होगा, तब जाकर आप जिंदगी को करीब से देख पाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज के प्रति अपनी लगन बढ़ाने का समय। नए उभरते हुए विचारों को आशावादी नज़रिए से देखना होगा ताकि आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकें और उन्हें अपने कामकाज में लगा भी सकें। यही अच्छाई आपका दूर तक साथ निभाएगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों को संभाले रखना एक चुनौती हो सकती है, इसलिए आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा। किसी भी एकतरफा चीज़ के पीछे भागने से बचना होगा ताकि हालात संभले रहें और यथास्थिति बनी रहे। कर्क राशि वालों ये समझ लें कि घर परिवार की खुशियां बनाए रखने से बहुत कुछ संभला रहेगा और इस समय आप अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। कोई प्यार का रिश्ता भी आपको सुख और सुकून देने के लिए पनपता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी भी विचार को आगे बढ़ाने के लिए अपनों के सहयोग और समर्थन की जरूरत पड़ेगी, पर हालात आपकी मदद करते चले जाएंगे और काम से लाभ बना रहेगा। इसके लिए अच्छा समय है, पर यह सब कुछ अपनी क्षमताओं को बेहतर करते चले जाने से संभव हो पाएगा। ऐसे में एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाना बहुत जरूरी है। सिंह राशि वालों के लिए मुश्किलें इस वजह से हैं क्योंकि आप अपनी परिस्थितियों का आकलन करने में कामयाब नहीं हो पा रहे, इसलिए अच्छी भली स्थिति भी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही। बिना सूझबूझ के को इस्तेमाल किए कोई भी विचार बनाना ठीक नहीं होता। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पारिवारिक खुशियों को बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुश्किलों से भी सबक लिया जा सकता है और अपनी परेशानियों को भी संभाले रखने की कोशिश की जा सकती है। इस तरह की अच्छी सोच बनानी होगी कि आपके लिए नई उपलब्धियों के रास्ते खुले रहें। अपनी मेहनत को बनाए रखने की इच्छा बना लेंगे तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाएंगे। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि मुश्किलों से निकलने का अगर कोई रास्ता मिल जाए तो हर रास्ता सुगम ही हो जाता है। आपके लिए भी इस समय ऐसी अच्छी संभावना है कि आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ संभाल सकें। इसमें आपकी सूझबूझ भी काम आएगी और आपका तजुर्बा भी आपको हर तरह से मदद करता चला जाएगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रास्ता वो अपनाएं जो आपकी प्रेरणा को जगाए और आपसे मेहनत करवा ले। जो भी चीज़ आपको लोगों से जोड़े रखेगी उसमें आपकी अच्छाई ज़रूर उभर कर आएगी और ऐसा करने से ज़िंदगी में कुछ भी पाना आसान हो जाएगा। हालात आपकी पूरी तरह से मदद करना चाह रहे हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। तुला राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर बहुत सारे मिले जुले विचार। एक ओर तो आप चाह रहे हैं कि अपने काम को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन दूसरी ओर लगातार आपके मन में बदलाव से जुड़े विचार उभरते चले जा रहे हैं और यही आपके लिए इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने विचारों को प्रकट करने से पहले अपनी चुनौतियों को भी समझना होगा ताकि किसी भी तरह के मतभेद से बचा जा सके और पैसे के आगमन पर भी नज़र रखनी होगी ताकि उसका सही इस्तेमाल किया जा सके। ये सारी बातें आपको मदद ज़रूर करेंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है और आपने अपने लिए बहुत सारी परेशानियां भी बटोर रखी हैं, फिर भी अपने काम और काम से जुड़े प्रदर्शन को बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने हालात को संभाले रखने के लिए अपने मन में भटकते हुए विचारों को भी थामना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने दम पर जो करें उससे फ़ायदा हो सकता है और लोगों की सलाह महंगी पड़ सकती है, पर आप अपने विचारों में जल्दबाजी दिखा रहे हैं और इसी चीज़ से बचने की ज़रूरत है। कई बार ज़िंदगी में थम जाने से भी बहुत कुछ पकड़ में बना रहता है। धनु राशि वाले अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पर सब कुछ आपके मन मुताबिक हो जाए
ऐसा होना मुश्किल ही होता है, क्योंकि हालात आपके लिए दूर की संभावनाएं भी खोलते चले जा रहे हैं। ऐसे में अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी थाम लेने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए? सप्ताह में ज्यादा पैसा जुटाकर पैसा बर्बाद करते चले जाने से बचना होगा, इसलिए योजना बनाकर चलना होगा। हर कदम जिंदगी में व्यवहारिकता से लिया जाए तो वैसे भी बहुत कुछ खुद ब खुद संभला रहता है। मकर राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ बना हुआ है और लाभ से आपकी प्रेरणा जगी हुई है। इसी चीज से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा और आपके कदम सही दिशा में पड़ते चले जाएंगे। फिर भी गलतियों भरा दौर है, इसलिए अपने नुकसान की स्थिति पर भी एक नज़र रखनी होगी। कुछ बेहतर करने की दिशा में आपकी प्रेरणा जगी रहे, इस समय यही जरूरी है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपके लिए हर तरह से भाग्यशाली परिस्थितियां बनी रही हैं और इस समय उसका पूरा फायदा भी मिल रहा है। अपनी जानकारी को बढ़ाने से भी कई तरह के अच्छे रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं और इस समय यही आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कुंभ राशि वालों ने कामकाज के प्रति अपनी तवज्जो बनाई है और उससे कहीं ज़्यादा लाभ भी मिल रहा है, और ऐसी परिस्थितियां हमेशा ही सुखद होती हैं। आपकी मेहनत हर तरह से रंग ला रही है पर पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा और यही इस समय की कमी हो सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं वही आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र है। उसमें तकदीर आपका हर तरह से मदद कर रही है और आपकी ज़िंदगी की खुशियों को बढ़ाती चली जा रही है। ज़िंदगी में कुछ बेहतर पाना है तो अपने दिल को साफ कर लें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मीन राशि वाले ये समझ लें कि बहुत कुछ आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही चल रहा है, लेकिन आपका मन फिर भी परेशान है, क्योंकि जिसे आप पसंद करते हैं वही आपकी बात को जैसे समझ नहीं पा रहा। आपके मन में बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं जिन्हें थाम लेने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आशावादी नज़रिया अपनाना होगा और अपने दम पर बहुत कुछ करने की कोशिश करनी होगी। थोड़ी सी कोशिश से हालात आपकी मदद करते चले जाएंगे और आपको अपना रास्ता साफ नज़र आएगा, इसलिए अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को हटा दें और रिश्तों को नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर लें।